देखिए शिफ्ट वन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, और इस पेपर को देख के मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका कट ऑफ अगर ओवरऑल लेके हम तो 70 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे, तो पॉसिबिलिटी और पेपर ऐसा है कि आप इजीली मुझे लगता है स्कोर कर सकते हैं। देखिए अगर इसकी बात करूं, इफ सम ऑफ ऑल कोफिशियंट ऑफ इवन पावर इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू एक्स पावर 2n, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर 2n इज 61, यानी इसकी जो इवन इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा और इनकी इवन पावर के कोफिशियंट का सम जो है वो 61 है, तो n बताना है, n क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। अब देखिए अगर इसमें हम जीपी का फॉर्मूला लगाएं तो कर सकते हैं, पर उसमें अपॉन में 1 माइनस एक्स आएगा, उलझ सकते हो। बेटर ये कि हमें यह बात तो पता है कि अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा जिस ढंग से हम अब तक करते हैं वैसे ही करें, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यह पता है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा होगा, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर, यानी इस तरह से मिलने वाला है हमको। मतलब किससे, इस तरह के कई क्वेश्चन आपने किए इवन ऑड से, तो हमें मतलब है इवन से, तो इवन जब ही होगा जब ए जीरो ए टू ये मिलेगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा जैसा करते हैं वैसा ही करिए, एक्स के प्लेस पे वन रखिए। अब एक्स के प्लेस पे वन रखेंगे तो पहले तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें टोटल टू एन प्लस एक टर्म ये भी एक्स की पावर जीरो, यानी एक टर्म ज्यादा है, तो अगर मैंने वन रखा तो ये आपस में सब कैंसिल होकर जीरो, तो यहां पर मिलेगा वन, और यहां पर वन 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 रखेंगे तो टोटल जो है वो टू एन प्लस वन आएगा, रिमेंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म टू एन और एक ये वन है। दिस इक्वल टू कुछ ऐसा मिला ए नॉट ए वन प्लस ए टू अप टू एंड सो ऑन। ऐसे ही एक्स की जगह अगर मैं माइनस वन रखू तो जहां ऑड पावर है वो प्लस हो जाएगा, तो अब हमें यहां पर मिल जाएगा टू एन प्लस वन, और क्योंकि माइनस वन रखा तो यहां मिलेगा वन। दिस इक्वल टू ए जीरो माइनस ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन। यस और नो, यहां ए थ्री लिख दो, यहां पर ये पूरा प्लस का है माइनस का ऐसा, राइट अब अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो अपने आप ही ये इवन टाइम हो जाएगा, यानी जब मैं ऐड करूंगा तो फोर एन प्लस टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इवन टर्म। यस और नो, लास्ट टर्म से मतलब नहीं है, ये टू का डिवाइड हुआ तो ऐसा बोल सकते हो आप टू एन प्लस वन इक्वल टू ए नॉट ए टू ए फोर एंड सो ऑन, और इसका सम हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना 61, तो 2n प्लस वन इक्वल टू 61, देन 2n इक्वल टू 60, देन n इक्वल टू 30। तो आपसे पूछा है सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ इवन पावर इन दिस, तो n क्या होगा, तो n 30 होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ये एक दो सीरीज दी थी, हमें ये पता है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर x का कोफिशियंट मिलेगा, एक्स स्क्वायर का मिलेगा, एक्स क्यूब का, तो इन जनरल हमने एक सीरीज लिख दी ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए टू एक्स ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब एक बार एक्स के प्लेस पे जब वन रखेंगे, बस इसमें एक समझने वाली चीज है, पावर टू एन से याद रखिए एक्स की पावर जीरो, तो नंबर ऑफ टर्म टू एन प्लस वन थे, तो यहां इवन ऑड सब कैंसिल, तो एक वन बचा और ये टू एन प्लस वन हो गया, और ऐसे ही जब माइनस वन रखा तो ये एड हो गया और ये वन बचा, दोनों को ऐड कर दिया और आपने सम, आपको ऑलरेडी इसमें सम गिवन था, अक्सर सम पूछा जाता है, यहां पर सम गिवन था, इस तरह ही थोड़ा बहुत प्लस माइनस या कंफ्यूज किया जाता और कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन को नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के प्लस वन टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लेमडा टेन एक्स प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आपको एक बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार किए हुए हैं, देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 5√2, राइट, और इसका मतलब हुआ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, दिस इक्वल टू 5√2। लॉजिकली समझिए, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्योंकि इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स कितना, माइनस बी बाय ए, तो रूट टू लेमडा अपॉन के प्लस वन अपॉन 1 माइनस के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, देखिए के दिस इक्वल टू 5√2, के प्लस वन आपस में कैंसिल, और इसका एलसीएम लिया तो के प्लस वन माइनस के प्लस वन, यानी रूट टू से रूट टू भी कैंसिल, तो लेमडा अपॉन टू इक्वल टू 5, देन लेमडा इक्वल टू 10,
यानी आप देखिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, बिल्कुल यही मैसेज था मैंने आपको जो लास्ट ऑल द बेस्ट का मैसेज था कि आप क्वेश्चंस को समझिएगा, करिएगा। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, पर उनकी चिंता जब करनी है जब पहले ये क्वेश्चंस कर लिए जाएं। नोट करिए क्वेश्चंस को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन है, एक्स पावर के प्लस वाई पावर के इक्वल टू ए पावर के, वेयर ए कॉमा के ग्रेटर देन जीरो, dy by dx plus y upon x की पावर 1 by 3 equal to 0, then the value of k, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, क्या करेंगे? अब dy by dx y की पावर आपको ये गिवन है, इससे आप अगर इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, k टाइम्स ऑफ x पावर k माइनस 1 प्लस k टाइम्स ऑफ y पावर k माइनस 1 dy by dx दिस इक्वल टू 0, के कॉमन निकल के जीरो। फाइनली हमें dy by dx कुछ ऐसा मिला होगा माइनस ऑफ x अपॉन y पावर k माइनस 1, या ऐसा भी बोल सकते हैं dy by dx प्लस प्लस x अपॉन y की पावर k माइनस 1। अब समझिएगा, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है dy by dx, इसको मैं चाहूं तो ऐसा जरूर लिख सकता हूं x upon y की पावर माइनस 1 by 3, चाहूं तो इसको या इसको किसी एक को रेसिप्रोकल करा जा सकता है। तो ये x upon y हो गया, यानी k माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 by 3, तो k इक्वल टू 1 माइनस 1 by 3, देन k इक्वल टू 2 by 3, दिस इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, किसी एक का रेसिप्रोकल कर सकते थे। तो या तो मैं इसे ऐसा लिख लेता, y upon x लिखता तो 1 माइनस k लिख देता, ऐसा ना लिख के मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, तो बात एक ही है। यानी कितना अच्छा क्वेश्चन था, केवल डिफरेंशिएट करके आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना था। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड जी ऑफ एफ एक्स दिया है 4x² - 10x + 5। आपसे पूछा गया है एफ 5/4 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी एक्स ये दिया था, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में बोलूं कि जी एफ एक्स क्या होगा, यहां पर x के प्लेस पे एफ एक्स लिख रहा हूं मैं, और थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं एफ एक्स को y मान लेते हैं, टाइम बच जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। y या t मान लीजिए चाहो तो, या आपने सपोज इसको t ले लिया, तो एक तरह से अब आपके पास क्या हो गया कि यहां पर मैं लिख सकता हूं x के प्लेस पे t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, और यहां पर क्योंकि एफ एक्स को t माना तो ये एक तरह से g इंटू टी इक्वल टू ऐसा गिवन है, केवल समझाने के लिए ये चेंज किया गया है। अब जी टी हमारे पास है, जी टी हमारे पास है कितना, 4x² - अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि हमको करना है क्या, अगर आपको जी टी में कंफ्यूजन हो रहा है आप उसको x भी लिखा देने चलेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, बाद में लिख देंगे हम। यहां पर मैंने x के प्लेस पर एफ एक्स लिखा, तो जी एफ एक्स समझिएगा, बाद में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 1। और जी एफ एक्स कंप्लीटली हमारे पास ये है, देखिए क्या है, 4x² - 10x + 5 इक्वल टू ऐसा आ गया एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 1, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपसे पूछा क्या गया है एफ 5/4, तो क्यों ना x की जगह 5/4 हर जगह पुट कर दिया जाए, तो मैंने यहां 5/4 पुट किया, तो 25/16 - 10 × 5/4 + 5 इक्वल टू, समझिएगा ये मिलेगा f 5/4, इसका बल्कि t मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें कंफ्यूजन हो सकता था, f 5/4 - 1। अब f 5/4 को t मान लो, नहीं तो वहां वेरिएबल में कंफ्यूजन हो सकता था। राइट, अब बताइए क्या हुआ, ये हुआ 25/4, ये हुआ 50/4 + 5 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, ऐसा लिख लीजिए। ये माइनस हुआ तो -25/4 + 5 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू ये मिलेगा 20, तो -5/4 यहां आया तो ऐड हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 इक्वल टू 0, या टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू -1/2। तो एफ 5/4 को ही टी माना था,
दिस इज माइनस वन बाय टू। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट से हो जाता कि यहां एक्स के प्लेस पर एफ एक्स रखते ही ये पूरी एफ एक्स की क्वाड्रेटिक बनी और इसकी वैल्यू एक्स के टर्म में दी थी और एक्स के प्लेस पे आपने 5/4 रखा, आपका आंसर आ गया। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, y इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू 3π/4 टू पाई by dx एट x इक्वल टू 5π/6। अब देखिए अंडर रूट में कभी भी कोई चीज होती है तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन होता है। दूसरा, आपको पता है ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले बनाए हुए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये sec स्क्वायर एक्स मतलब cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, ये cos sec स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। राइट, एक cos कैंसिल, ये कुछ ऐसा बन गया 2 टाइम्स ऑफ cot x प्लस, इसको चाहे तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायरिंग हो गई, यानी आप ऐसा लिख सकते थे 1 प्लस cot x का होल स्क्वायर, पर अंडर रूट से निकली क्वांटिटी मॉड होती है, यही एक इंपॉर्टेंट बात है 1 प्लस cot x। अब आपको जो लिमिट दी है 3π/4 से पाई दी है, आप एक कोई भी रफली रख के देखो, जैसे 150 रखोगे तो cot 150 की जब वैल्यू निकालोगे तो -√3 आएगा, यानी इसका ओपन होगा 1 माइनस cot x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, मतलब ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा। ओवरऑल रिजल्ट मॉड से जब भी निकलेगा तो एक सीधा सा रूल है कि आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि उसके साथ जब आप इनपुट देंगे तो होल रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, तो ये हो गया, ये पूरा ही पॉजिटिव है तो ये इसका एक्चुअल में पूरा ये पॉजिटिव है तो ऐसा निकलेगा 1 प्लस cot x होल आंसर्स को अगर हम समझें, क्योंकि जब हम यहां रखेंगे 1 यहां रखेंगे, देखिए ऐसा होगा 1 माइनस रूट थ्री, इसका रिजल्ट आएगा निगेटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो एक तरह से ये आ गया। अब माइनस 1 माइनस cot x, अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, एक स्टेप में हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस खत्म तो cos x स्क्वायर एक्स और 5π/6 पे पूछा है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर हुआ 4। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, कितना अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन था, मॉड से निकली हुई क्वांटिटी का सीधा लॉजिक है, मॉड ए माइनस बी, ए माइनस बी होता अगर ए ग्रेटर देन बी हो, बी माइनस ए होता अगर ए लेस देन। पेपर बहुत अच्छा कंसेप्चुअल पेपर था, अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो पेपर में मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल नहीं है। अब कोई गलती से अगर इसे प्लस लिख दे तो यहां पर माइनस के भी चांस बनते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जिन पर ध्यान रखना है, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 49 की पावर के प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 1 प्लस 49 स्क्वायर अप टू 49 पावर 125। जीपी का कंसेप्ट है, सीधा सीधा लगा दीजिए 1 इंटू आर, क्योंकि 49 है तो 49 की पावर, टोटल टर्म याद रखिएगा 126 है, बस यही एक खास बात है, माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 48। अब ये एक तरह से एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो 49 की पावर 63 माइनस 1, 49 की पावर 63 प्लस 1, यस। अब 49 प्लस 1 बोला है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 49 पावर के प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो एक फैक्टर ये हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 63। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यानी देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप जो इजीली हैंडल कर सकते थे, करिए नोट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x प्लस 2ay प्लस az इक्वल टू 0, 2x प्लस 3by प्लस bz इक्वल टू 0, 2x प्लस 4cy प्लस cz इक्वल टू 0 हैव होमोजेनियस इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन ए बी सी का रिलेशन बताना है, यानी लॉजिकली आपको समझ में आ गया कि नॉन ट्रिवियल है मतलब डिटरमिनेंट विल बी जीरो, तो 2 2 2 स्टेप कम लिखनी है तो इसको डायरेक्टली 1 लिख लीजिएगा, 2a 3b 4c a b c, दिस शुड बी जीरो, पहले तो 2 को कम कर, 2 बाहर निकाल दीजिए, तो एक स्टेप आपको 2 बाहर आया तो ये 1 1 1, 2a a 3b b 4c c,
राइट, टू जीरो बना दिए थे तो जल्दी हो जाएगा, तो टू जीरो बनाया तो वन टू ए जीरो, थ्री बी माइनस टू ए बी माइनस ए जीरो, फोर सी माइनस टू ए सी माइनस ए, बस खत्म। इसके साथ सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, थ्री बी माइनस टू ए इंटू सी माइनस ए माइनस ऑफ, एक और तरीका बताता हूं, फोर सी माइनस टू सी इंटू बी माइनस ए, दिस शुड बी जीरो। मेरे पास एक तरीका और था कि अगर ये मान लीजिए एपी में होते तो ए वन बी टू और सी थ्री ले लीजिए, राइट, वन टू थ्री रख के भी आप इसका डिटरमिनेंट चेक कर सकते थे। एक चीज ये हो गई कि वन टू थ्री अब यहां पे भी रख सकते हैं, और जीपी के लिए ए वन बी टू और सी फोर ले लीजिए, और एचपी के लिए ए टू बी थ्री और सी सिक्स ले लीजिए। अभी तो आप रिलेशन बना ही लेंगे इसके साथ सॉल्व करके, पर यह भी एक तरीका हो सकता था कि यहां पर ही आप वैल्यू रख के करते, पर इसकी जगह ये भी कर सकते थे। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, थ्री बी सी माइनस टू ए सी माइनस थ्री ए बी प्लस टू ए स्क्वायर, राइट, यहां पर आइए मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, तो माइनस एक मिनट फोर सी और ये टू ए है। अब देखिए बहुत ध्यान से करिएगा जिससे कि कहीं मिस्टेक ना हो, माइनस भार लगा दीजिए, फोर बी सी माइनस टू ए बी माइनस फोर ए सी प्लस टू ए स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो। अब जो जो टर्म जैसे बी सी बी सी सब्ट्रैक्ट होंगे सब, तो थ्री बी सी माइनस टू ए सी माइनस थ्री ए बी प्लस टू ए स्क्वायर माइनस फोर बी सी प्लस टू ए बी प्लस फोर ए सी माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए टू ए स्क्वायर से टू ए स्क्वायर कैंसिल, बी सी और बी सी में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, आप वैल्यू रख सकते थे माइनस बी सी, ए सी और ए सी को किया तो प्लस टू ए सी, और ए बी और ए बी को किया तो माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। यानी हम ऐसा बोल सकते थे यहां पर कि बी सी प्लस ए बी इक्वल टू टू ए सी, राइट, इसका मतलब बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन बी कॉमन ले लिया था ए प्लस सी, ये कंडीशन एचपी की होती है। देखिए डायरेक्टली आंसर आ गया, देन ए बी सी आर इन एचपी। अब आप चाहते तो वैल्यू रख के कर सकते थे, आप चाहते तो बिना वैल्यू के भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। नोट करिए क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इफ सम ऑफ फाइव कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 25 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म इज 2520, इफ वन ऑफ द टर्म इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म इज, क्या क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ फाइव कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 25, फाइव कॉन्जुगेटिव टर्म ये ले लेते हैं, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, इसका सम 25 दिया है, इसको लेते हैं इसलिए 5 ए इक्वल टू 25 देन ए इक्वल टू 5। अच्छा एक बात और दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म इज, इनका प्रोडक्ट 2520, इफ वन ऑफ द टर्म, कोई भी एक टर्म जो है वो 1/2 है, ओके, देन द वैल्यू ऑफ द, इनमें से सबसे बड़े टर्म की वैल्यू बताइए। अब इनके जब प्रोडक्ट की बात आएगी तो देखिए इसका इससे होगा, डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका इससे होगा तो ए स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर, दिस शुड बी 2520, और एक बात बीच में ए आएगा जो कि 5 है, वो डिवाइड करते ही हुए चले, टाइम बचेगा, ये भी 5 है तो 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 25 माइनस फोर डी स्क्वायर, दिस शुड बी 5, राइट, 04। अब डी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, जल्दी हो जाएगा, तो ये एक तरह से हो गया 25 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस फोर एक्स इक्वल टू 50x4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो 625 माइनस 25x माइनस 100x, एक मिनट देखिए 25 से 625 माइनस 25x माइनस 100 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 504, फाइनल अरेंज करिए, 4x स्क्वायर माइनस 125x, राइट, ये गया इसमें से, तो 625 में से 500 तो 125 तो 121 इक्वल टू जीरो, राइट, तो वन, अब तो बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 121x, देखिए क्योंकि 121 ही लाना है, 4x कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 121 कॉमन तो x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 ही लिखना था यहां पे भी, तो x माइनस 1 और x
फोर एक्स माइनस 121 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 121 बाय 4। अब एक बात बताइए, x तो था डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1, और एक बार ले लो 121 बाय 4 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 11 बाय 2। अब d 1 नहीं हो सकता, बताइए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर d 1 हुआ प्लस या 1 माइनस 1, ये 5 है, तो कोई टर्म 1 बाय 2 में आ ही नहीं सकता फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब d ये नहीं होगा, तो d क्या होगा, अब ग्रेटेस्ट बोला तो पॉजिटिव ले लो, d 11 बाय 2 और a 5 ग्रेटेस्ट टर्म यही होगा, तो 5 प्लस 2 इंटू 11 बाय 2 ये कैंसिल, तो 16 इज आ राइट आंसर। समझिएगा कि d प्लस माइनस 1 नहीं होगा, थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि एक टर्म 1 बाय 2 देके हमें ये बता दिया कि d 1 नहीं हो सकता, तो 11 बाय 2 d की वैल्यू हो गई। अब प्लस या माइनस किसी से भी कर सकते हैं, माइनस लेते तो ये ग्रेटेस्ट होता है, प्लस लिया तो वो टर्म ग्रेटेस्ट हुआ। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में दिया है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 1। मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो 1 के इक्वल है, देन लोकस ऑफ जेड। सबसे पहले आप समझिए, जेड की जगह जैसे ही ये रखेंगे तो एक्स प्लस, पहले मैं आपको चलिए स्टेप बाय समझा देता हूं, 2x प्लस 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई इंटू प्लस आयोटा, ये 2 का मल्टीप्लाई किया दिस। अब इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन, इसका रियल पार्ट जो है वो है 2x प्लस आयोटा, बाहर लिखे तो 2y प्लस 1। ऑब्वियसली इसके रियल पार्ट के लिए आप इसे रैशलाइज करेंगे, तो 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1। अब जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x इंटू एक्स माइनस 1 और इसका इससे होगा तो आयोटा स्क्वायर 1, तो प्लस y इंटू 2y प्लस 1 अपॉन 4x, ये पूरे नीचे रियल होगा क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहां पर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा रियल पार्ट 1 के इक्वल है, तो लोकस बताना है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन। अब इससे जो रिजल्ट मिलेगा या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या सर्कल मिलेगा, स्क्वायर आने पर स्ट्रेट लाइन के चांस खत्म, तो अब बचे सर्कल, पर सर्कल में हम एकदम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन निकाल के उसका रेडियस भी निकालना पड़ेगा, जब भी बता पाएंगे टाइम लग सकता है थोड़ा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ये ट्राइंगल एबीसी है और बोला है इनके वर्टेक्स भी दिए 1 1, 6.5 एंड 3/2.2 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब पॉइंट पी सच दैट, एक कोई पॉइंट है पी जिससे पीएबी पीबी पीएसी पीबीसी आर इक्वल, ये जब ही हो सकता है जब वो सेंटराइट हो, क्योंकि सेंटराइट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी देखिए अगर ये पी है, चलो पी ले लेते हैं, तो पी ए सी पी बी सी ये जब भी इक्वल हो सकता है जब पी इज सेंटराइट ऑफ ट्राइंगल, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो और क्यू एक कोई पॉइंट है कहीं पर भी, इसके कोऑर्डिनेट है -7/6, -1/3, तो लेंथ ऑफ पी क्यू बताना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, पी इज सेंटराइट है तो ऐड कर दो 1 + 6 = 7 प्लस 3/2/3 14 + 3 17/6 कॉमा y को ऐड करिए 1 + 5 = 6 प्लस 2 8/3। अब इनका डिस्टेंस पूछा है, सोचिए, और बाय 6 इसलिए आ गया, तो कितना 17/6 प्लस 7/6 का स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, जब भी सेम साइन हो तो ऐड कर दीजिए 24/6 यानी 4 का स्क्वायर 16 9/3 3 का स्क्वायर 9 यानी लेंथ कितनी आ गई 5। यानी इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सोचिए आप, और पेपर ऐसा ही था, अगर आप प्रॉपर माइंड से पॉजिटिव माइंड से करते तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।